पंजाब में सियासतदानों के विदेश दौरों पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोली सिर्फ फंड इकट्ठा करने विदेश जाती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, गेहूं खरीद का वक्त पर भुगतान के लिए 20,094 करोड़ रुपए फौरन देने की मांग। SYL पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाहिर की नया एफिडेविट दायर करने की इच्छा, कोर्ट ने कहा पहले दे एप्लीकेशन, 25 अप्रैल को अगली सुनवाई। पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने कसी कमर, पर्यटन मंत्री सोहन सिंह ठंडल ने लॉन्च किया टूरिज्म ऐप, पर्यटकों को मिलेगी पर्यटन स्थलों की जानकारी। कल भारत लाया जाएगा कृपाल सिंह का पार्थिव शरीर, पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में संदिग्ध हालत में हुई थी कृपाल सिंह की मौत। कथित मुरथल गैंगरेप कांड के जश्नदीद गवाह बॉबी जोशी ने लगाए अपने ऊपर हमला होने के आरोप, करनाल पुलिस ने मामले में किया SIT का गठन, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के बेटे और बेटी की संपत्ति कुर्की की याचिका पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू दौरे के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम, कल माता वैष्णो देवी अस्पताल और कटरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। राजौरी की बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में जम्मू और कश्मीर के दो छात्र गुटों में हिंसक टकराव, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कैंपस में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। भारत में वापस नहीं आ सकता कोहिनूर हीरा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब, कहा चोरी नहीं हुआ था कोहिनूर हीरा।